युद्ध की वजह से दुनिया भर में गेहूं की कीमत बढ़ गई है, भारत भी इससे अछूता नहीं है। इसलिए इस समय कई राज्यों में गेहूं की कीमत 20 रुपए से 30 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गई है। ये तो हुई गेहूं की बात, लेकिन खेत में गेहूं के डंठल से जो भूसा या तूड़ी निकलता है, इन दिनों उसमें भी भाव चढ़े हुए हैं। कभी मुफ्त के मोल बिकने वाला भूसा का इस समय 15 से 20 रुपए किलो तक पहुंच गया है। हरियाणा के किसान बताते हैं कि अब गेहूं की फसल में भूसा कम निकलता है। पहले गेहूं की देसी किस्म बोई जाती थी, उसमें गेहूं की बाली तो थोड़ी होती थी, लेकिन फसल का डंठल बड़ा होता था। जब डंठल बड़ा होगा तो भूसा ज़्यादा निकलेगा। अब जो संकर किस्म का गेहूं आ गया है, उसमें बाली तो बड़ी होती है लेकिन डंठल छोटी हो गई है, इससे भूसा कम निकलने लगा है। आजकल सभी बड़े किसान कंबाइन हार्वेस्टर से फसल की कटाई करवाते हैं। इसमें फायदा ये है कि गेहूं काटने के लिए अलग से मजदूर लगाने और थ्रेसिंग के लिए अलग से मजदूर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। वहीं कंबाइन से फसल काटने के साथ ही उसकी थ्रेसिंग भी हो जाती है, लेकिन इससे गेहूं की डंठल खेत में ही पड़ी रह जाती है, उससे फिर से रैपर से कटवा कर भूसा बनाना पड़ता है। इस चक्कर में भूसा कम हो जाता है। इस बार जब गेहूं की बुआई हो रही थी, उसी समय खाद तेल के बाजार में महसूस की जा रही थी, इसलिए ढेर सारे किसानों ने अपने खेत में गेहूं के बदले सरसों की बुआई की। इससे सरसों का रकबा बढ़ा, सरसों की उपज बढ़ी और किसान की कमाई भी बढ़ी। पिछले साल जो सरसों 45 रुपए किलो बिका था, उसी सरसों का दाम इस साल 75 रुपए किलो तक पहुंच गया है। साथ ही लेकिन इस चक्कर में गेहूं का कम उत्पादन हुआ, इसका असर भूसे पर भी पड़ा। इस साल शुरू में जब गेहूं कटना शुरू हुआ था, तब भूसे का दाम 11 रुपए किलो था। पिछले साल ये 7 रुपए किलो बिका था। उस समय किसान 11 रुपए किलो के दाम पर भी खुश थे, क्योंकि ये पिछले साल के मुकाबले बहुत ज़्यादा था। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए, इसका दाम चढ़ता गया। अब तो स्थिति ऐसी हो गई है कि पशुपालकों को 20 रुपए किलो भी भूसा मिल जाए तो वह गनीमत समझ रहे हैं। भूसा महंगा होने से पशुओं के लिए सूखे चारे की किल्लत पैदा हो गई है। कृषि क्षेत्र के जानकार बताते हैं कि इस बार उत्तर भारत में भूसे का ही सहारा है। दरअसल इस साल उत्तर भारत में समय से पहले गर्मी आ गई, इस वजह से ताल तैलिया भी सूख गए हैं, कुएं में पानी भी नीचे चला गया है, इस वजह से अब हरे चारे की बुआई मुश्किल हो गई है। गांवों में अभी पानी तो बड़ी मुश्किल से मिल रहा है, पीने का पानी तो बड़ी मुश्किल से मिल रहा है, ऐसे में चारे के फसल की सिंचाई कैसे हो। इसलिए इस बार पशुपालकों को सूखे चारे या भूसे से ही निर्वाह करना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी। अब नहीं जाना पड़ेगा कहीं, बिग ब्लिस 10 मिनट में लाएगा आपके घर दूध और दही। बिग ब्लिस, खुशियों की अपनी दुकान।